तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन की मिसलिनियस को कैसे कर रहे हैं हम लोग। मिसलिनियस के पहले एग्जांपल देख लेते हैं डिफरेंशिएशन के। तो कुछ अच्छे एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ रख रखे हैं मैंने। तो यस एग्जांपल 44 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये 44 में आपको ये सॉल्व करना है ऐसे। तो अगर आपको यहाँ पर 7 दे रखा है, मतलब ये इसका बेस है, और कुछ नहीं दे रखा मतलब इसका बेस ई है, ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि लोग बेस एंगल आपके पास हो और उनका सेम बेस अगर आपको बनाना है, तो इसको ए के ऊपर और बी को नीचे, यहाँ पे 2 लिखना है 2, 3 लिखना है 3, ई लिखना है ई। तो ये यूज़ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाई इज इक्वल्स टू लॉग, ये ए है पूरा ना, तो लॉग ऑफ लॉग बेस ई एक्स अपॉन में लॉग 7। अब यहाँ पे ई लिख दो और यहाँ पे ई लिख दो, 7 हटाने के लिए ऐसे कर सकते हो आप। अब इसका कर दो डेरिवेटिव, नीचे वाला तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, चलो तो इसका करेंगे तो 1 बाय log 7, तो मैं पहले साइड में लिख देता हूँ। अब इसका log का करेंगे तो 1 बाय x, और इसका करेंगे तो अंदर वाले का तो भी 1 बाय x, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा कि 1 अपॉन में x log 7 और log x, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप इसका आंसर कर सकते हैं। हमने यूज़ क्या करा है यहाँ पर प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी यूज़ हुई। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 44 के इस क्वेश्चन पे, पहले पार्ट पे। तो 44 के पहले पार्ट में क्या दे रखा है आपको, एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि ये और ये। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 45 देख रहे हैं, उसका पहले पार्ट के पास यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग। तो आपको ये दे रखा है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये कोज इनवर्स है, ये साइन है, तो ये दोनों सेम होंगे तो कट जाएंगे। तो हमें ये सेम करना आता है 10th के तरीके से। 10th में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये कोज 90 माइनस थीटा। अब ये इससे कट जाएगा, तो वाई इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, 90 माइनस एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा ये 0 और ये -1, मतलब -1 आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी का ही एग्जाम्पल है हमारा, मतलब 45 एग्जाम्पल का ही सेकेंड पार्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो यस, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका 1 प्लस cos 2 थीटा मान के चलो इसको। तो 1 प्लस cos 2 थीटा हमारा क्या होता है, 2 cos² थीटा, ठीक है ना, ये होता है। और sin 2 थीटा ऊपर लगा दूँ अगर मैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, 2 sin θ cos θ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको, तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 sin x/2 cos x/2 2 cos² x/2। ये 2 से 2 कट गया, 1 cos से 1 cos कट गया, बचा गया आपका sin x/2 और cos x/2। तो ये 10x/2 हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 10x/2, 10 से 10 कट गया, तो y इज इक्वल्स टू x/2। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y इज इक्वल्स टू 1 बाय dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2, x का 1 होता है। अब इसका करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं अच्छे से, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं यहाँ पर, ठीक है, चलो। तो अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लिख दूं यहाँ पर, पहले थोड़ा अच्छे से लिख दूं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 2 की पावर x है, इसको दो में सेपरेट कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, 2 की पावर x.2 कर रहा हूँ, अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर 2 और उसकी पावर x। अब इसको और बेटर लिखता हूँ मैं, साइन इनवर्स ऑफ 2 ऑफ 2 की पावर x 1 प्लस, ये एक्स अंदर लिख रहा हूँ और ये 2 बाहर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये अंदर लिख लो ये बाहर लिख लो, डजेंट मैटर। तो 2x/2, ये ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग, ये 2 और फिर ये 1 प्लस x², तो मेरे को ऐसे समझ में आ रहा है कि ये एक्स स्क्वेयर है आपका, मतलब इसको टेन थीटा बोल दूँ अगर मैं, पुट 2 की पावर x एज अ टेन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी, पहले ही निकाल लो, टेन इनवर्स 2 की पावर x, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब चलो बात करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू आपका क्या आया, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan θ 1 प्लस tan²θ। तो यहाँ पर रख दो, अब ये साइन 2θ बन गया, sin 2θ। अब साइन से साइन काट दो, तो y इज इक्वल्स टू 2θ,
और थीटा की वैल्यू रख दो, तो वाई इज इक्वल्स टू टू टैन इनवर्स ऑफ 2x। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसका डेरिवेटिव का। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करता हूँ, तो ये dy वाई बाई डी एक्स हो गया। 2 सेम 10 का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस सॉरी इन टू पावर बेस एंगल का, तो ये आपका बेस का कर दिया 10 का, और एंगल का करेंगे तो 2 की पावर x log 2। ये आप डायरेक्ट देख सकते हो, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a होता है, तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो बेस सेम पावर है, तो x प्लस 1 हो गया ये log 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये अंदर ले लो और ये बाहर ले लो, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 और उसकी पावर x, तो ओवरऑल क्या आ गया आपका 2 की पावर x प्लस 1 log 2 और 1 प्लस 4x। तो ये कुछ ऐसा ही सही आंसर है जो ब्रैकेट में, इसका सेम ऐसा सही आंसर है जो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पर। ठीक है, बाकी बस log 2 आ गया एक्स्ट्रा, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, कई बार पेपरों में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। आपको बोला है कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो किसी का डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं, जैसे dy वाई बाई डी एक्स मैंने यहाँ लिखा, तो dy वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब है, y का डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू x। तो मतलब यही टर्म आपकी x होनी चाहिए और ये टर्म आपकी y होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ मान लेते हैं इन दोनों को। तो मैं इसको मैं u मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं u मान लेता हूँ, u हमारा साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x है, और इसको मैं v मान लेता हूँ, e की पावर cos x है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ये हमें फाइंड करना है। तो अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गए हमारे एक टाइप की, तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो हम इसका हम कर लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो करो तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टू आगे साइन x कोज x, टू आगे इसकी पावर एक कम और साइन का कोज, साइन टू थीटा हो गया, साइन टू एक्स हो गया ये, चलो ऐसे रहने दो। अब इसका कर लेते हैं, तो इसका करेंगे हम लोग, इसका कर लेते हैं, तो dv by dx आपका क्या हो जाएगा, e की पावर x सेम और cos का माइनस साइन x, ये हमारा आ गया। अब दोनों का dy by dx निकाल लो, तो हमारे को जो रिक्वायरमेंट थी du by dv इज इक्वल्स टू du by dx और dv by dx, तो ये ऊपर dv by dx वाला ऊपर 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय माइनस साइन एक्स ई की पावर कोज एक्स, साइन से साइन काट देना, तो आंसर आ गया आपका डी यू बाई डी वी टू कोज एक्स अपॉन में माइनस टू कोज एक्स ई की पावर कोज एक्स, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको करें। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम मिसलिनियस के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो पहले हम लोग छठा क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव हम लोगों को करना है, तो यहाँ पर मैं साइन 1 प्लस साइन 2 थीटा और 1 माइनस साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा सकता हूँ। तो जैसे अगर आप 1 प्लस साइन 2 थीटा का फार्मूला लोगे, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा होता है आपका, क्या होता है 1 प्लस साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ले लो, और अगर माइनस में हो तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यही चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पर कर लो आप, तो वाई इज इक्वल्स टू कितना है आपका, तो कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसको मैं लिखूँगा कोज एक्स बाय टू, हाफ एंगल हो रहा है क्योंकि ये, तो कोज एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर और रूट के अंदर, ठीक है, प्लस कोज एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइडेड बाय, सेम चीज़ यहाँ करोगे तो कोज एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर माइनस कोज एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखोगे तो स्क्वायर से ही कटेगा, स्क्वायर से ही कटेगा, स्क्वायर से ही कटेगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स कोज प्लस साइन एक्स बाय टू कोज माइनस साइन एक्स बाय टू, तो साइन एक्स बाय टू से साइन एक्स बाय टू कट जाएगा, तो टू कोज एक्स बाय टू बचेगा और नीचे टू साइन एक्स बाय टू बचेगा, देख सकते हो ये आपका कट जाएगा, यहाँ से साइन से साइन, तो कोज और कोज सॉरी यहाँ से कोज कटेगा प्लस साइन और ये माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा,
तो ये बचेगा, ये कट जाएगा आपका, तो आपके पास बचेगा कोट इनवर्स कोज अपॉन में साइन कोट एक्स बाय टू। अच्छा कई लोग बोलेंगे कि ये फार्मूला उल्टा भी हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, आप लगाओगे तो यहाँ 10 बन जाएगा, फिर उस 10 को आप 90 माइनस थीटा कर लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तो ये आपका आ गया, कोट से कोट कट गया, तो वाई इजिकल्स टू आपका एक्स बाय टू हो जाएगा, तो डी वाई बाय डी एक्स आपका 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका ही जैसे क्वेश्चन होगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव आपको करना है, तो इसको हम करके देखते हैं। तो यस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे लिख लेना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर भी करते हैं हम लोग, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो यस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो डी वाई बाय डी एक्स साइन का होता है 1/√1 − x² प्लस, इसमें भी करेंगे तो साइन का 1/√1 − x², इसका करेंगे रूट एक्स का तो 1/2√x डायरेक्ट, और इसका करेंगे तो 0 − 2x। चलो अब स्कोर अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो 1/√1 − x² स्क्वायर से रूट काटोगे तो 1/√1 − x², इसको करोगे तो 2 − 2x √1 − x², इसको इससे काटोगे तो कट जाएगा। अब आगे देखो इसको, तो 1/√1 − x² प्लस ये 1 से 1 कटेगा, तो अपन में बस सिर्फ x बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट निकाल दोगे आप लोग, ये 1 से 1 कट जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो +x² होएगा, रूट से कटेगा तो ये कट जाएगा, ये x हो जाएगा माइनस का x डिवाइडेड बाय 1 − x² x से x काट दो, तो 1/√1 − x² −1/√1 − x², तो ये दोनों कट ही जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये आपका आंसर होगा इसका 0, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखोगे तो क्या, इसको मेरे को ये प्रूफ करना है। आप डायरेक्ट इसको करोगे डेरिवेटिव, तो ये जो टर्म है आपकी बड़ी होती रहेगी, बड़ी होती रहेगी, ये टर्म भी बड़ी होती रहेगी, तो मे बी शायद ये आंसर थोड़ा टफ पड़ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो x √1 + y √1 + x का होल स्क्वायर, इसको करोगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा 1 + y, ये y स्क्वायर हो जाएगा 1 + रूट हट जाएगा 1 + x। अभी सारी टर्म उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर ये इससे मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा तो −y² + x² y, ये इधर जाएगा तो −y² x = 0। इसको a प्लस बी ए माइनस बी कर लो, तो x − y x + y, और इसमें से कॉमन ले लो xy, तो x − y बचेगा, पूरे में से x − y जो है आप कॉमन ले लो, तो x + y xy = 0। तो ये टर्म आपकी बराबर होगी 0 के, और ये टर्म 0 के बराबर होगी, इसमें से y कॉमन ले लो, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू y, तो ये तो कंडीशन आएगी नहीं, तो ये कंडीशन आएगी, तो y बराबर x 1 + x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, करके देख सकते हो कोशेंट रूल से, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा dy/dx = −1/, यही आंसर आएगा जो है, आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं मिसलिनियस का ही, तो एक्सरसाइज का, तो हम लोगों को ये दे रखा है आप लोगों के सामने कि ये आपको गिवन है, और ये जो टर्म है आपकी, ये हमें शो करनी है, प्रूफ करनी है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के ये इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है, ए और बी के ये आपकी इंडिपेंडेंट होगी। तो हम लोगों को यहाँ पर देख के पता लग रहा है, यहाँ एक बार डेरिवेटिव निकालना है और दो बार निकालना है, तो पहले हम इसका एक बार डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका, तो x के रिस्पेक्ट में करा तो यस 2 आ गया आया x - a, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बोल देता हूँ मैं, x - a, फिर इसका करूँगा तो 2 आ गया आया y - b, ठीक है, y - b, और y का करूँगा तो dy/dx, और b का तो 0 ही है, और ये बराबर 0। अब यहाँ से dy/dx निकालोगे तो 2 कॉमन आके 0 में बच गया, ये बचेगा आपका -x - a
वाई माइनस बी। अब डबल एक और बार डेरिवेटिव कर देते हैं तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ तो यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स टू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव वन माइनस ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स ये आपका आ जाएगा। अब ये वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की यही वैल्यू वापस से यहाँ रख देता हूँ मैं, तो माइनस बोलो वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए और माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में वाई माइनस बी, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे इसकी, तो अब बताओ इसका एलसीएम ले लो, ये इधर चले जाएगा, तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी, ये आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये वाली जो टर्म है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका यही है, तो इसको आप सी स्क्वायर कह सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपके पास था वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस पूरे की पावर थ्री बाई टू, सॉरी डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी एक्स टू आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर, तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स है, तो यस माइनस एक्स माइनस ए बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, और डी टू वाई बाई डी एक्स आपका माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का क्यूब। अब इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पर ये स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, इसको उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय ये नीचे की टर्म माइनस, ये इसको मल्टीप्लाई में उल्टा लिख दो, माइनस ये टर्म ऊपर आ जाएगी, वाई माइनस बी का क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस सी का स्क्वायर। चलो अभी सी का स्क्वायर है तो ये सी बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस पूरे की पावर कितनी है थ्री बाय टू वाई माइनस बी का क्यूब सी का स्क्वायर, इसको इससे काट दोगे तो ये सी का क्यूब हो जाएगा, ये वाई माइनस बी का क्यूब हो जाएगा, और ये आपका वाई माइनस बी का क्यूब अपॉन में सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से ये कटेगा, ये पूरा इससे कट जाएगा, तो सॉरी माइनस का सी स्क्वायर है, माइनस यहाँ लिख देता हूँ, तो माइनस का सी बचेगा विच इज इंडिपेंडेंट ए एंड बी। तो जो भी ये टर्म है आपकी वो ए और बी के इंडिपेंडेंट आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन अगला है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, आपको ये गिवन है और हमारे को ये प्रूफ करना है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आपके पास डिफरेंशिएशन का आए तो हमेशा यही आपको ट्राई करना है कि आप x वाले अलग कर पाओ y वाले अलग कर पाओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, cos y डिवाइडेड बाय cos a प्लस y, मैंने अलग कर दिया y की टर्म और x अलग कर दिया, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a। अब यहाँ डिफरेंशिएट करूँगा अगर मैं x के रिस्पेक्ट में, तो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आ जाएगा आपका, साइन माइनस का प्लस हो जाएगा, ये ए प्लस वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स और ऊपर वाला सेम डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। क्वेश्चन टूल लगा दिया है मैंने, इजिकल्स टू वन, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन। अब क्या लगा रहा हूँ मैं इसमें से, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे अगर आप, तो ढंग से देखो कि क्या बन रहा है, कोज ए साइन बी साइन ए कोज बी, तो साइन ए कोज बी प्लस माइनस कोज ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है आपका, तो साइन ए आपका ये है ए प्लस वाई माइनस वाई, ए माइनस बी बन गया डिवाइडेड बाय कोज स्क्वायर
कोस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है इजीली, तो अब इसको आप यहाँ लिख सकते हो, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, इसको काट दो यहाँ पे, तो ये साइन ए कोज स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर 1, तो ये इधर ले जाओ, ये नीचे ले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा बेटा, कोज स्क्वायर ए प्लस वाई अपोन में साइन ए, तो ये हमारा ईजिली यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17वां, ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। अब 17वें क्वेश्चन पर आते हैं कि आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इसमें हम पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं, अगर तो dx बाई dt पहले कर लो, तो पहले वाला सेम, कोस का सेम, कोस का माइनस साइन इसका करोगे तो पहले वाला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव कोस t माइनस साइन प्लस साइन t, t का 1, तो ये कट गया, ठीक है। तो इसका आ जाएगा यस ए टी कोस t, अच्छा ये आ गया आपका dx बाई dt। ऐसे dy बाई dt करोगे आप लोग तो सेम ऐसे ही करोगे, ए इसका कोस बन गया माइनस टी सेम इसका प्लस बन जाएगा साइन टी, और इसका आगे करोगे तो माइनस का कोस टी बचेगा, ये इससे कटेगा, तो ए टी साइन टी ये आपका आ गया। अब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, तो डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाय डी टी करोगे तो डी वाई बाई डी टी आपका ए टी साइन टी, और ये आपका क्या हो गया ए टी, ये टी है आपका ए टी कोस टी, तो आपका ये कट गया सारा, तो टेन टी बचेगा। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये बनेगा आपका डी टू वाई बाय डी एक्स टू, और इसका करोगे टेन का तो sec स्क्वायर t, और t का करोगे तो dt टी बाय डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम लोग ने करा है डेरिवेटिव, तो ये आएगा। अब dt टी बाई डी एक्स कहाँ से लोगे आप, तो ये रहा आपका डी एक्स बाई डी टी, इसको पलट दोगे तो dt टी बाई डी एक्स हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर t dt टी बाई डी एक्स आपका ये रहा तो 1 अपॉन में ए टी कोस टी, तो 1 अपॉन में कोस टी sec होता है, तो ये आंसर आ जाएगा sec क्यूब t अपॉन में ए टी, तो दिस इज द आंसर।